वेलकम दोस्तों, क्या हाल है? स्वागत है आपका हेब्रो वी व्लॉग में। और भाई यार, आप ग्रो कैसे होगे? ठीक है ना, आप ग्रो कैसे होगे जब आप किसी की वीडियो देखते नहीं हो? ठीक है, आपको लोग मैसेज करते हैं, आपको लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आप किसी की वीडियो देखने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर आप ये कहते हो कि भाई हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं भी आपको करता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं भी आपको करता हूँ। कौन करता भाई? जब तक आप दूसरे के ऊपर अटेंशन नहीं दोगे तो जब तक आपको कौन सब्सक्राइब कर लेगा? ठीक है ना, तो भाई ऐसा ना करें। मैंने रात को एक लाइव करी है, एक भी बंदा लाइव पर अटेंशन देने के लिए नहीं आया। ठीक है ना, हालांकि मैंने 20-25 बंदों को मैसेज कराया, लेकिन जब भी कोई नहीं आया। अगर आपको ग्रो होना है ना, तो दूसरे की लाइव पर जरूर आना पड़ेगा। ठीक है ना, इस बात को आप ये जो लोग बढ़ाइयाँ मारते हैं ना कि यार हमारा तो घर का खर्चा इतना है, यार मैं तो इतने खर्च कर देता हूँ, यार मैं तो इतने खर्च कर देता हूँ, यार आपकी बार तो इतना खर्च कर दिया, आपकी बार तो इतना खर्च कर दिया, वो आपको बताते नहीं हैं, वो आपको जताते हैं कि भाई मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है ना, तब आपका चेहरा उतर जाता है। पता क्यों उतरता है? क्योंकि उनके जैसी हिम्मत आप में नहीं है। अगर आपको भी उनके जैसी हिम्मत चाहिए ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, दिन रात एक करना पड़ेगा, नींद अपनी ख़राब करनी पड़ेगी या दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, तभी आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। ना यकीन हो ना तो एक बार तो ट्राई कर दीजिए। बंदे कहते हैं मुसीबत और पत्थर हमेशा उसी के रास्ते में आते हैं जो उसको पार करने की हिम्मत रखता है, क्षमता रखता है, वरना आसानी से तो हर कोई पार लग जाता है। मतलब साफ सीधा है कि भगवान सबकी परीक्षा देता है। ठीक है ना, जो उस परीक्षा पे खरा उतर जाता है वही सफल हो जाता है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। ठीक है ना, 100 बार बांध लेना, तभी आप एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर और एक बढ़िया आदमी बन सकते हो दुनिया की नज़रों में। यकीन ना हो तो एक बार अजमा के देख लेना, बात झूठी नहीं है। अरे मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास में रिंग लाइट नहीं है, और मेरे पास में ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं वीडियो कैसे बनाऊं, मैं यूट्यूबर कैसे बनूं, मैं ब्लॉगर कैसे बनूं? मेरे भाई, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है, और मैं ब्लॉगर बन चुका क्योंकि मैंने ब्लॉग वीडियो डाल दी और मैं एक यूट्यूबर हूँ। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि आप एक यूट्यूबर बन चुके हैं, उस दिन आप यूट्यूबर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एक ब्लॉगर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई कुछ मत सोचे, सिर्फ काम शुरू कर दें, जो है जितना है उसी से शुरू करें। आप बनेंगे, आप बनेंगे और आप बनेंगे। विश्वास नहीं है तो आप करें, एक बार करें, दो बार करें, 1000 बार करें,